नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम 55 TPA के बारे में बात करने वाले हैं। क्रेता और विक्रेता के अधिकार और दायित्व के बारे में ये बात करता है। तो इसमें बताया गया है कि क्रेता और विक्रेता के अधिकार और दायित्व तो क्या क्या होंगे। तो तत्प्रतिकूल संविदा ना हो, यदि कोई तत्प्रतिकूल संविदा ना हो तो स्थावर संपत्ति का क्रेता और विक्रेता क्रमशः उन दायित्वों के अधीन और उन अधिकारों से युक्त होंगे जो कि ठीक नीचे लिखे नियमों में या उनमें से ऐसी जो भी बेची गई संपत्ति को लागू हो वर्णित होंगे। तो आइए हम देखते हैं कि क्या बोलता है। विक्रेता आबद्ध है कि विक्रेता किन किन चीज़ों के लिए आबद्ध है, मतलब विक्रेता की यहाँ पर कर्तव्य बताए गए हैं। एक तरीके से देखें तो उस संपत्ति में या विक्रेता की उस संपत्ति के हक में किसी ऐसी तात्विक त्रुटि को जिसे विक्रेता जानता हो और क्रेता नहीं जानता हो, कैसी त्रुटि को जैसे विक्रेता जानता हो और क्रेता नहीं जानता है, तो क्रेता जिसका पता मामूली सावधानी से नहीं लगा सकता है क्रेता को प्रकट करें। मतलब विक्रेता का यहाँ पर कर्तव्य है कि वह उस संपत्ति के बारे में जिसे वह बेच रहा है, वह उस संपत्ति को के बारे में क्रेता को उस जानकारी से अवगत कराए जिसे वह सावधानी तौर पर क्रेता नहीं जान सकता। दूसरा बताता है खास उस संपत्ति संबंधी जो हक की दस्तावेजें विक्रेता के कब्जे या शक्ति में हों, उन सबको क्रेता को उसकी प्रार्थना पर परीक्षा के लिए पेश करें। यदि कोई दस्तावेज संबंधी ऐसी कोई चीज़ के बारे में क्रेता है वह उसे देखना चाहता है जो उस जमीन से रिलेटेड है, तो विक्रेता का यह दायित्व है कि वह उसे जो उसके कब्जे में है वह उसे दिखाए। तीसरा बोलता है इसमें सी, उस संपत्ति या उस पर के हक के बारे में क्रेता द्वारा उससे पूछे गए सभी सुसंगत प्रश्नों का उत्तर अपनी पूरी जानकारी से दे। ये कहा गया है कि उस संपत्ति या उस पर हक के बारे में क्रेता द्वारा पूछे किसी भी सभी प्रश्न का, मतलब यदि कोई क्रेता कोई क्वेश्चन पूछता है जिसके बारे में वह जानकारी रखता है, तो वह पूरी जानकारी जितना रखता है विक्रेता दायित्व के अधीन है कि विक्रेता पूरी जानकारी क्रेता को दे। घा बोलता है कि कीमत के बाबत सुधी रकम के संदाय या निविदा पर संपत्ति का उचित हस्तांतरण पत्र निष्पादित करे जबकि क्रेता उसे उचित समय और स्थान पर निष्पादन के लिए विक्रेता को निविदित करें। ऐसा है कि हस्तांतरण पत्र यदि बन गया है जिसमें लिखा है पैसे बदले जमीन दे रहा है, मतलब ऐसा कुछ लिखा है कि पैसे के बदले जमीन मिल रही है या वो दे रहा है, विक्रेता पैसे के बदले जमीन दे रहा है, जिसमें ऐसा कुछ है और जिसमें हस्तांतरण मतलब हस्ताक्षर कर दिए गए हैं, तो वह उसे किसे दे? कीमत देने के बाद संपत्ति कागज, मतलब ये कीमत देने के बदले बाद में संपत्ति का ये कागज है और ये क्रेता को दे, विक्रेता को निविदित करे। कीमत की बाबत शुद्ध रकम के संदाय या निविदा पर संपत्ति का उचित हस्तांतरण, मतलब जो कीमत है जो है उसका निविदान होने के बाद देने के बाद संपत्ति का उचित हस्तांतरण, जो उचित उसके हस्तांतरण हस्ताक्षर किए लेखबद्ध कोई कागज हैं, हस्तांतरण पत्र निष्पादित करें, जो हस्तांतरण पत्र है वह निष्पादित करें, मतलब दे, जबकि क्रेता उसे उचित समय और स्थान पर निष्पादन के लिए विक्रेता को निविदित करें। जब क्रेता उसे निविदित करता है तो वह उसे दे। विक्रेता संविदा और उस संपत्ति के परिदान को तारीखों के बीच उस संपत्ति को और उस पर के हक संबंधी सब दस्तावेजों को जो उसे कब्जे में हो और ऐसी सावधानी से रखे जैसे मामूली प्रज्ञा वाला स्वामी ऐसी संपत्तियों और दस्तावेजों को रखता है। इसमें ये बात की गई है कि यदि कोई दस्तावेज जो होता है तो उस दस्तावेज को वो स्वामी जो बेच रहा है, मतलब विक्रेता जो दस्तावेज है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो दस्तावेज को ऐसे रखेगा मानो उसकी ही संपत्ति हो, जैसे मामूली प्रज्ञा वाला स्वामी ऐसी संपत्ति और दस्तावेज को रखता है। और एक और इसमें बात कही गई है, ऐसे अपेक्षित किए जाने पर यहाँ तक जो ई तक है, तो ई तक क्या बताया गया, बेचने वाला संपत्ति कागज बेचने बाद भी उन्हें अपनी जैसे समझेगा। ये इसमें बताया गया है कि बेचने वाला जो व्यक्ति है, मतलब विक्रेता है, बेचने के बाद भी संपत्ति को कैसा रखेगा, जैसे उसकी स्वयं की संपत्ति हो। यहाँ पर ये जो यहाँ तक है ई तक
के विक्रेता के ऐसे दायित्व बताए गए हैं जो संपत्ति परिदत्त मतलब कब्जा देने के पहले तक की ये बातें कही गई हैं, और यहाँ के से बाद के दायित्व कब्जा के साथ मतलब विक्रय पूर्ण के बाद दिए जाते हैं। ये विक्रय के पहले की बातें आती हैं इतनी, और विक्रय के बाद की ऐप से बातें आती हैं कि विक्रय के बाद विक्रेता के और क्रेता के क्या दायित्व क्या अधिकार होंगे वो बताता है। अब एफ देखते हैं, एफ क्या कहता है, ई तक हो गया, एफ देखते हैं। एफ बताता है कि ऐसे अपेक्षित किए जाने पर क्रेता या तनिदिष्ट व्यक्ति को उस संपत्ति पर ऐसे कब्जा दे जैसे संपत्ति को प्रकृति के अनुसार दिया जाता है। मतलब यदि सारी कार्यवाहियाँ हो गई हैं ऐसे अपेक्षित किए जाने पर, अपेक्षा की गई है और अपेक्षित किए जाने पर क्रेता या तनिदिष्ट व्यक्ति को उस संपत्ति पर ऐसा कब्जा दे, मतलब क्रेता या उससे रिलेटेड व्यक्ति को ऐसा कब्जा दे जैसा संपत्ति को विक्रय के अनुसार दिया जाता है। मतलब विक्रय होने के बाद जैसा, यदि विक्रय पूर्ण हो चुका है तो विक्रय के बाद जैसे मामूली तौर पर कब्जा दिया जाता है वैसे विक्रेता क्रेता को वह संपत्ति का स्वामित्व दे दे। अब इसमें जी बताता है, संपत्ति पर विक्रय की तारीख तक प्रोद्भूत शुद्ध सब लोग भारों और भाटकों को ऐसी संपत्ति पर विलंगमों पर के ब्याज को जो ऐसी तारीख को शुद्ध हैं और दे के सिवाय उस दशा के जहाँ की संपत्ति विलंगमों के अधीन बेची गई हो संपत्ति पर उस समय वर्तमान सब विलंगमों को उन्मोचित कर दे। मतलब उसका ये भी दायित्व है, विक्रेता का ये भी दायित्व है कि उस संपत्ति पर जो उसने बेची है तो इस पर यदि कोई भार है, जैसे उसने राजस्व नहीं दिया है, कोई पानी से रिलेटेड कोई किराया नहीं दिया है, भाटक वगैरह कुछ भी ऐसा भार है, तो वह उसका कर्तव्य है कि बेचने से पहले वह सारे भारों को अदा कर दे और फिर वह संपत्ति क्रेता को बेचे। इसके बाद है, यह समझा जाएगा कि विक्रेता क्रेता से यह संविदा करता है कि वह हित जिसे विक्रेता क्रेता को अंतरित करने की प्रवंचना करता है अस्तित्व युक्त है और उसे अंतरित करने की शक्ति विक्रेता रखता है। इसमें ये बात की गई है कि यदि यह समझा जाएगा, यदि विक्रेता कोई कहता है विक्रेता क्रेता से यह संविदा करता है, मतलब संविदा करता है कि वह हित जिसे विक्रेता क्रेता को अंतरित करने की प्रवंचना करता है, हाँ जैसे विक्रेता है, विक्रेता जिस भी संपत्ति को देने के लिए क्रेता को कहता है तो अस्तित्व युक्त है, उसे अंतरित करने की शक्ति विक्रेता रखता है। तो ये माना जाएगा कि जिस संपत्ति को बेचने के लिए विक्रेता कहता है तो उसे अंतरित करने के लिए भी वह लायबल है, मतलब उसे अधिकार है कि वह उसे बेच सकता है। इसका परंतु भी है, पर इसका परंतु कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए हम इसे नहीं देखेंगे। आगे देखते हैं ये जो थ्री बताया गया है, थ्री क्या कहता है, जहाँ की विक्रेता को पूर्ण क्रय धन दे दिया गया हो, यदि विक्रेता है उसको पूर्ण क्रय धन दे दिया गया हो वहाँ वह क्रेता को संपत्ति से संबंधित सब ऐसी हक की दस्तावेजों का भी परिधान करने के लिए आबद्ध है जो विक्रेता के कब्जे या शक्ति में है। यदि क्रेता ने पूरा संपत्ति का पूरा पैसा दे दिया है तो विक्रेता का कर्तव्य है कि जो भी उसके संबंधित कागज जो भी उससे रिलेटेड हैं, संपत्ति से रिलेटेड हैं, वो सारी चीज़ें किसे दे देगा, क्रेता को दे देगा। परंतु जहाँ की विक्रेता ऐसी दस्तावेजों में से समाविष्ट संपत्ति के किसी भाग को अपने पास प्राधिकृत करता है वहाँ वह उन सब दस्तावेजों का प्रतिधारण करने का हकदार है। जहाँ की ऐसी संपूर्ण संपत्ति विभिन्न क्रेताओं में बेची जाती है, और इसमें ये बात कही गई है कि जब जहाँ की विक्रेता ऐसी दस्तावेजों में समाविष्ट संपत्ति के किसी भाग को अपने पास प्राधिकृत करता है, जो विक्रेता है वो संपत्ति से संबंधित कोई भाग को अपने पास प्राधिकृत मतलब अधिकार के तौर पर रखता है वहाँ पर उन सब दस्तावेजों का प्रतिधारण करने का हकदार है। मतलब उससे कोई ऐसी चीज़ है जो वो अपने पास रखता है संपत्ति का, तो ये माना जाएगा कि वह उसे प्रतिधारण करने का अधिकार है। जहाँ की ऐसी संपूर्ण संपत्ति विभिन्न क्रेताओं को बेची जाती है, जहाँ ऐसी कोई संपत्ति विभिन्न क्रेताओं को, एक क्रेता को नहीं बहुत विभिन्न एक से अधिक क्रेता को बेची जाती है, वहाँ सर्वाधिक मूल्य वाले टुकड़े का क्रेता उन दस्तावेजों का हकदार है। किंतु दशा के का दशा में विक्रेता और खा प्रार्थना पर और प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के खर्चे पर उक्त दस्तावेजों को पेश करने और उनकी ऐसी सही प्रतियां या उनमें से ऐसे उद्धरण जैसे कि वह अपेक्षा करे ऐसे देने के लिए आबद्ध है और एक
बीच यथास्थिति विक्रेता या सर्वाधिक मूल्य वाले टुकड़े को क्रेता को उक्त दस्तावेजों आदि हस्तांतरित करने के लिए अग्नि या अनिवार्य दुर्घटना द्वारा निर्वाचित हो जाता है, सुरक्षित रद्द और अविरूपित रखने योग्य है। एक काम करती हूँ, ये जो परंतु है ये मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, ये कुछ इतना खास कठिन नहीं है। यदि आप लोग इसे ध्यान से एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यदि आपको लगता है कि इसे समझना चाहिए, मुझे बताना चाहिए, तो आप लोग मुझसे कमेंट में कह सकते हैं, मैं इसको बाद में समझा दूँगी। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आगे हम देखते हैं क्या कहा गया है। इसकी लैंग्वेज कठिन है, इसलिए मैंने आपको थोड़ी सा दिया है। कठिन तो नहीं कह सकते, बस थोड़ी सी अलग है, तो समझने वाली बात है। जो कह दी गई है इसमें वही बात है। आगे देखते हैं कि विक्रेता के क्या हकदार हैं। विक्रेता किस चीज़ का हकदार है? तो विक्रेता हकदार है संपत्ति के तब तक के भाटकों और लाभों का जब तक उसका स्वामित्व क्रेता को संक्रांत ना हो जाए। जो विक्रेता है तो वो किस चीज़ का अधिकारी है? तो विक्रेता का अधिकार है कि वह संपत्ति में जो भाटक वगैरह जो भी उसे आय इनकम प्राप्त होती है तो वह तब तक धारण करने का अधिकारी है जब तक उसका हस्तांतरण मतलब उसका ट्रांसफर नहीं हो जाता, बेच नहीं दी जाती। जहाँ की संपत्ति का स्वामित्व पूरा क्रय धन दिए जाने के पूर्व क्रेता को संक्रांत हो गया है, वहाँ क्रय धन की रकम या उससे असंगत शेष भाग के लिए उस तारीख से जिसको कब्जा परिधान किया गया है ऐसी रकम भाग ब्याज के लिए क्रेता किसी भी अप्रतिफल अंतरित या क्रय धन के असंदाय की सूचना रखने वाले किसी अंतरित के हाथ में की उस संपत्ति पर भार को है। इसमें बताया गया है कि जहाँ विक्रय किया जाना है वहाँ पूरी राशि दे देता है, जहाँ विक्रय किया जाना है वहाँ पूरी राशि दे देता है। मतलब ऐसा है कि जहाँ संपत्ति का स्वामित्व पूरा क्रय धन दिए जाने के पूर्व मतलब पूरा जो क्रय धन है वो पूरा नहीं दिया गया उसके पूर्व क्रेता को संक्रांत हो जाता है। मतलब जो संपत्ति है वह क्रेता को धन दिए जाने के पहले जो धन उसे सौंप देता उस धन दिए जाने के पहले दे दिया जाता है, वहाँ क्रय धन की रकम या उसके असंगत शेष भाग के लिए मतलब जो क्रय धन की रकम है वो या उससे असंगत शेष भाग के लिए जो बचा हुआ है शेष भाग के लिए उस भाग के लिए ऐसी रकम या भाग पर ब्याज के लिए क्रेता का किसी अंतरित के हाथ में की उस संपत्ति पर भार होगा। मतलब ये है कि जो क्रेता है तो क्रेता ये लायबल हो जाएगा कि जो वो भाग देना है सो उसे जो उस संपत्ति का उसे कब्जा दे दिया गया है, उसने क्रय धन पूरा नहीं चुकाया, तो जब वो क्रय धन पूरा नहीं चुकाया तो उस धन के साथ साथ वो ब्याज देने के लिए भी यहाँ पर लायबल हो जाता है। क्रेता आबद्ध है कि वह संपत्ति में विक्रेता के हित की प्रकृति या विस्तार के बारे में ऐसा तथ्य जिसे क्रेता जानता है किंतु जिसे उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि विक्रेता नहीं जानता है जिसने ऐसे हित के मूल्य में तात्विक वृद्धि होती है विक्रेता को प्रकट करें। यहाँ पर क्रेता के कर्तव्य बताए गए हैं। जो क्रेता है जो खरीद रहा है संपत्ति, यदि उसे पता है जिस संपत्ति को वह खरीद रहा है कि क्यों वह खरीद रहा है, यदि वो किसी ऐसे कारण से खरीद रहा है जिससे उस संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, इसलिए यदि वह उस संपत्ति को खरीद रहा है तो उसका यह कर्तव्य है कि वह विक्रेता को बताए कि आपके ज़मीन से सोना निकल रहा है या कोयला या कुछ भी ऐसा निकल रहा है जिससे प्रॉफिट होने वाला है, इसलिए मैं ज़मीन को खरीद रहा हूँ, तो ये ज़रूरी है वो बताए विक्रेता को। विक्रय के पूरे हो जाने के समय और स्थान पर विक्रेता या तन्निर्दिष्ट व्यक्ति को क्रय धन का संदाय या निविदा करे। दूसरा कर्तव्य यह है कि विक्रय के पूरा हो जाने के समय और स्थान पर विक्रेता या तन्निर्दिष्ट व्यक्ति को क्रय धन या संदाय या निविदा करे, परंतु जहाँ की संपत्ति विलंगमों से मुक्त बेची जाती है वहाँ विक्रय की तारीख उस संपत्ति पर वर्तमान किन्हीं विलंगमों की रकम क्रेता क्रय धन से भी प्रतिधारित कर सकेगा और इस प्रकार प्रतिधारित रकम का संदाय उन व्यक्तियों को करेगा जो उसके लिए हकदार हैं। इसमें क्या बात करता है? यहाँ क्रेता का एक और कर्तव्य है कि जैसे वे विक्रय पूरा हो जाता है, यहाँ पर ये बी वाला कहता है कि जब विक्रय पूरा हो जाता है तो क्रेता का यह दायित्व हो जाता है कि विक्रय पूरा हो जाने के बाद वह पूरी संपत्ति जो उसके लिए निर्धारित की गई थी, जो धन निर्धारित किया गया था, वो किसको दे दे? विक्रेता को दे दे। बी बस इतनी ही बात करता है। सी कहता है जहाँ की संपत्ति का स्वामित्व क्रेता को संक्रांत हो गया, संपत्ति का स्वामित्व वह क्रेता को संक्रांत मतलब क्रेता को दे दिया गया, वहाँ संपत्ति की ऐसी नाश ऐसी क्षति या मूल्य में गिरावट विक्रेता द्वारा कारित ना हो, उद्भूत किसी हानि को सहे। मतलब ये है कि यदि
सी वाला कहता है यदि संपत्ति बेच दी गई है, किसी क्रेता को बेच दी गई है और उस संपत्ति को बेचने के बाद उस संपत्ति में कोई कमी होती है, कोई ह्रास होता है, कोई गिरावट आती है उस संपत्ति के मूल्य में जो विक्रेता द्वारा ना की गई हो, तो वह उसी को वह सहने के लिए कहा जाएगा। मतलब वही वह सहेगा, इसका जिम्मेदार विक्रेता नहीं होगा। जहाँ की संपत्ति का स्वामित्व क्रेता को संक्रांत हो जाता है, वहाँ जहाँ तक कि उसका विक्रेता के बीच का संबंध है, वे सब लोक प्रभार और भाटक जो संपत्ति के बारे में दे हो, निजी किन्हीं विलंगमों के अधीन संपत्ति बेची गई, उन मुद्दे शुद्ध मूल्यधन और उस तत्समय प्रावधान शुद्ध ब्याज दे। इसमें ये बात की गई है कि जहाँ की कोई संपत्ति दी जाती है, ठीक है, संपत्ति दे दी गई है, संपत्ति जब बेच दी गई है तो उसके बाद जो उस पर भाटक राजस्व वगैरह आता है, तो उस भाटक वगैरह बिजली इजली का बिल राजस्व वगैरह किसे बेचने के लिए वह कर्तव्य होगा, मतलब देने का कर्तव्य क्रेता को होगा। जो क्रेता है उसका कर्तव्य होगा कि जो राजस्व वगैरह है, पहले विक्रेता देता था, अब कौन देगा, अब क्रेता देगा। क्रेता के हकदार हैं, क्रेता किस चीज़ के हकदार हैं, मतलब क्रेता के यहाँ अधिकार बताए गए हैं। क्रेता हकदार है जहाँ की संपत्ति का स्वामी क्रेता जहाँ की संपत्ति का स्वामित्व उसको संक्रांत हो गया है, वहाँ संपत्ति में किसी अभिवृद्धि का या उस संपत्ति के मूल्य में वृद्धि का फायदा उठाने का और उस भाटकों और लाभों का, मतलब क्रेता किस चीज़ का हकदार है, जहाँ उसे संपत्ति दे दी गई है, संपत्ति दे दी गई है तो उसमें कोई वृद्धि होती है, तो उसे उस वृद्धि को सहने के लिए, उस वृद्धि का उपयोग करने के लिए किसका, क्रेता का हक हो जाता है यहाँ पर। और दूसरा क्या कहता है, जब तक कि उसमें, इसमें कुछ खास बात नहीं है, इसमें यह है कि यदि क्रेता है, क्रेता ने एडवांस दे दिया है विक्रेता को कि मुझे आपकी संपत्ति ले ली है, और विक्रेता या उसका ऐलान मना कर देता है कि मैं आपको संपत्ति नहीं दूंगा, तो क्रेता किस चीज़ का हकदार है कि क्रेता अपना एडवांस जो उसने संपत्ति के लिए दिया था, वो एडवांस भी ले सकता है, प्लस उसके साथ ब्याज भी ले सकता है। इसमें यही बात की गई है जो बी वाला पॉइंट बताया गया है। आगे देखते हैं तो आगे है अग्रिम धन भी वही है इसके अंतर्गत कि वह उसका ब्याज भी ले सकेगा और एडवांस जो दिया है वो भी ले सकता है। जिन बातों के प्रकट करने का इस धारा के पैरा एक का और पैरा, मतलब ये जो बात कही गई है इसमें, ये अपन ने एक जगह देखा था जो पैरा एक का और पांच का में वर्णन है, मतलब ये है कि त्रुटिपूर्ण कोई बात है, जो तथ्य है जो क्रेता जानता है या विक्रेता जानता है तो प्रकट करने के लिए कहा जाता है, वह यदि प्रकट नहीं करता तो माना जाएगा कि उन लोगों द्वारा यहाँ पर कपट किया गया है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको वीडियो लगता है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, यदि वीडियो में कोई कमी लगता है तो आप बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।